वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सजेशंस और मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे कि डेवलपर कंसोल में जो हमारी यहाँ रिजेक्ट जाती है उसे कैसे सॉल्व करें। ठीक है, सबसे पहले हम अपना डेवलपर कंसोल अकाउंट खोल लेते हैं। ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आप हमारा एक पिछला वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है कि अकाउंट आपका कैसे क्रिएट करें, कैसे पेमेंट करें। ठीक है, पेमेंट में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे कार्ड हैं जो वो गूगल एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, क्रेडिट कार्ड मांगता है, कई बार क्रेडिट कार्ड भी नहीं देता तो हमने उसके लिए वीज़ा कार्ड लगता है। और ठीक है, तो वो आप देख लेना। आज हम जो बात करने वाले हैं कि ऐप में रिजेक्शन आता है तो ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये हमारा डैशबोर्ड खुल चुका है गूगल डेवलपर कंसोल का। मान लीजिए कि मेरी इस ऐप पे रिजेक्शन आया, जैसे कि मैं बता दिया हूँ, मान लीजिए हमारी एक डील अवर बहुत अच्छी ऐप है उस पर रिजेक्शन आया, तो हम सबसे पहले यहाँ पर हमारा एक तो रेड दिखने लगता है कि आपके में एक ऐप रिजेक्ट हुई है, ऐसा ऐसा है ना, यहाँ रिजेक्शन लिखा रहता है और ऐप रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसे सॉल्व ऐसे किया जाए तो सबसे पहले आप अपना मेल चेक करें, उसमें वो बताता है कि ऐप रिजेक्शन क्यों हुई है। ठीक है, कई बार हमारा टाइटल किसी दूसरी ऐप से मतलब कि मेल खाता है, इसलिए ऐप रिजेक्ट हो जाती है टाइटल की वजह से कि आपका टाइटल किसी से मेल खा रहा है। ठीक है, दूसरी बात होती है हमारे स्क्रीन शॉट्स जो कि हमने इमेज डाली हुई है गूगल में, फ़ोन वाले में जो फोन इमेज स्क्रीन शॉट डालते हैं कि हमारी ऐप ऐसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है, तो उसकी एक जो बैनर हेड भी होती है, बैनर हेडर इमेज भी होती है उसकी एक बहुत बड़ी वाली फीचर इमेज बोलते हैं उसको, वो भी ठीक है जो हम डालते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जाना है आपको स्टोर लिस्टिंग में, हटाएंगे भी यहीं से आप अपना रिएक्शन, स्टोर लिस्टिंग में जाना है। ठीक है, तो जैसे कि टी लवर है, अगर मैंने मान लीजिए किसी और ने भी टी लवर्स नाम रखा सैम स्पेलिंग सैम बड़े छोटे हिसाब से, ठीक है, तो मेरी ऐप रिजेक्ट हो जाएगी, बोलेगा कि आपका जो टाइटल है वो किसी से मैच खा रहा है, भले ही उसका भी कॉपीराइट ना हो पर आप सैम नाम नहीं रख सकते दो ऐप का। ठीक है, आपको या तो इनको पूरा बड़े करना पड़ेगा अगर ये लोकल नाम है तो ऐप रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ऐप अपलोड करते हो, पहले तो वो किसी भी कॉपीराइटेड नेम की नहीं होनी चाहिए और दूसरी आप गूगल की कोई इमेज यूज़ ना करें। ठीक है, सारी इमेज किसी ना किसी वेबसाइट की होती है, गूगल से ऐसे नहीं कि गूगल खुद से दे रहा है, गूगल दूसरों की वेबसाइट से दिखाता है, वो उनके अंदर की होती है। ठीक है, तो गूगल की इमेजेस तो यूज़ ही ना करें। यदि आपके पास फोटोशॉपिंग आती है तो आप उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, बाकी आप खुद की इमेजेस यूज़ करें। ठीक है, तो टाइटल की वजह से आपका रिजेक्शन हटाना है तो बस आपका टाइटल नेम चेंज कर दीजिए और यहाँ सबमिट अपडेट डेट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टाइटल की वजह से रिजेक्शन आया वो हट जाएगा। नंबर टू में आता है, दूसरी बार ऐप रिजेक्शन जो आता है वो आता है हमारे स्क्रीन शॉट की वजह से। ठीक है, जो हम आइकॉन डालते हैं, स्क्रीन शॉट डालते हैं, जैसे कि ये स्क्रीन शॉट बताता है आपको, ऐसा नहीं कि नहीं बताता, गूगल मेल पे जीमेल में बताएगा कि आपकी फीचर इमेज और आइकॉन है जो किसी से मेल खा रहे हैं किसी से किसी वेबसाइट के और कॉपीराइटेड है तो आपकी ऐप ये रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको खोला था इस मेन्यू में आया हूँ वैसे आपको यहाँ पर पहुँचना है, स्टोर लिस्टिंग में जाएंगे, स्टोर रेफरेंस से स्टोर लिस्टिंग में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से कट में क्लिक करेंगे और नई वाली इमेज इसकी जगह अपलोड कर देंगे, वो भी खुद की होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि फिर से दूसरे की कर दिए और जब ऐप सबमिट हो गई तो फिर से यही वाली नहीं, तब आपकी ऐप सस्पेंड हो जाएगी, इसलिए भूल कर भी गलती ना करना। आजकल सुना जा रहा है कि गूगल दो बार से चांस नहीं दे रहा, मैं वैसे ही अपने दो अकाउंट खो चुका हूँ, इसलिए आपको ये सभी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये चीज़ें ध्यान रखें। अक्सर हम डायरेक्ट तेजी से काम करते हैं बिना हम उसकी कंटेंट गाइड कम्युनिटी गाइडलाइंस को भी नहीं पढ़ते। ठीक है, तो दूसरा रिजेक्शन जो आपको हटाना, तो आपको कुछ नहीं, आपकी जो इमेज है यहाँ कट करना है, नई वाली इमेज इसी साइज की अपलोड कर देना है, खुद की रहना चाहिए बस। ठीक है, गूगल की इमेजेस यूज़ ना करें, नहीं तो देखा कि उसमें बहुत अच्छा दिख रहा है ला के अपलोड कर दो, हमारी अब अच्छी चमक जाएगी नहीं। ठीक है, तीसरा रिजेक्शन आता है कि अगर आपने कोई गूगल का प्रोडक्ट यूज़ किया, जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपने किसी ऐप में बिना API YouTube की API की होती है उसे जनरेट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप YouTube की वीडियोस अपने ऐप में डाल सकते हो, अगर डायरेक्ट आपने उसका URL डाल दियो तो आपकी ऐप रिजेक्ट हो जाती है। और मान लीजिए आपकी ऐप रिजेक्ट हो गई है, आपने दोबारा उसे हटा दिया, जब वो एक्सेप्ट हो गया फिर से आपने डाल दिया तो आपकी ऐप सस्पेंड हो जाएगी, इसलिए सस्पेंड तक जाए ही ना। जब आपकी ऐप रिजेक्ट हो जाती है तो आपके पास चांस रहता है अपडेट देने का, अपडेट देने का मतलब ये नहीं कि आप उसका नया वर्जन अपलोड करके अपडेट दें, अपडेट का मतलब है कि जिस चीज़ की वजह से आया आप उस पर अपडेट दे दो। ठीक है, तो टाइटल की वजह से और स्क्रीनशॉट की वजह से दे दिए। ठीक है, तीसरा है बिना किसी API की के आप डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो गूगल मैप ये डायरेक्ट यूज़ ना करें। ठीक है,
आपको यहाँ पे यदि मतलब कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की दुनिया से दूर हैं और नए नौ सीखियाँ हैं, ठीक है, तो आपको API की के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए, उसे जनरेट करें तभी आप उसे यूज़ करें अपने। जैसे कि आप मान लीजिए आप एक यूट्यूबर और आपको शौक लग गया, हाँ भाई अपन को ऐप बनाना है अपने चैनल के लिए, और डायरेक्ट आपने यूट्यूब की वीडियोस को पेस्ट करना शुरू कर दिया, तो आप क्या रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और आपको अगर यूज़ करना है तो API की का करें। जो चौथी चीज़ आती है वो आती है कि आपने अगर वेब व्यू यूज़ करा और उसमें आपने किसी दूसरे की कॉपीराइटेड साइट का नाम डाल दिया। पहले एक जो मैंने देखा तो आपको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज की एक साइट डाल दी थी, ठीक है, वो कॉपीराइटेड साइट है, तो उसमें मेरे को पूछने लगा कि आपके पास परमिशन है। मेरे को बहुत दिन बाद एक महीने तो मेरे पास सब कुछ अच्छे से उसका मेल आया कि आप इसका लोगो यूज़ नहीं कर सकते, आप इसकी वेबसाइट पर URL यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारी तीन चार चीज़ों के बारे में उसने बोला। अगर आपके पास इसका प्रूफ है, ठीक है, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप हमें PDF अपलोड करें उस चीज़ का साइन करवा के, ठीक है, तो आपकी ऐप प्ले स्टोर पर बनी रहेगी, नहीं तो ऐप सस्पेंड हो जाएगी। आपको बता दूँ ऐप सस्पेंड होना मतलब कि आपके गूगल प्ले कंसोल अकाउंट के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। डायरेक्ट आपका अकाउंट गायब हो जाएगा और वो ID भी, ईमेल ID जो रहती है जिससे हमने बनाया है, आपके $25 का भी लॉस होगा और साथ में वो भी सस्पेंड हो जाएगी। इसलिए बहुत बहुत ध्यान से काम करें इस पर। मैंने 14 ऐप डाली थी और एक ऐप में बहुत दो तीन ऐप में सस्पेंशन आया था और मेरा अकाउंट ही रिजेक्ट हो गया था। दूसरी बार जो मेरा अकाउंट रिजेक्ट हुआ था वो आया था डेवलपर नेम का। डेवलपर नेम में ऐसा उटपटांग नाम ना रखें, किसी भी का भी मैच खाता हो या गेम, आप कोई गेम खेल रहे हो उसी के नाम पे ना रखें तो ऐप रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो गेम जो के नाम भी होते हैं, पिक्चर का नाम भी हो, वही हाईली वो होते हैं कॉपीराइटेड, ठीक है, इसलिए अपना ही नाम रख लीजिए सिंपल, ठीक है। तो अब जो होता है चौथा पाँच रिजेक्शन की बात देख लेते हैं। तीन रिजेक्शन हमने देख लिए, ठीक है, वेबसाइट की वजह से, उसकी वजह से। अब आता है कि इसमें कुछ हम जो मैनिफेस्ट में परमिशन देते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने दे दी कि रीड राइट स्टोरेज की परमिशन दे दी, बहुत ही खतरनाक की कॉल करने की, इंटरनेट परमिशन की, कुछ परमिशन जो होती हैं कि हम जब किसी फ़ोन से एक्सेस करते, मतलब कि आप मान लो कि उससे रीड राइट की परमिशन ले रहे हो मैनिफेस्ट में, वह एक्सेप्ट भी कर ले, पर गूगल तो ये चेक कर रहा है ना कि आपने उसकी परमिशन दी। हाँ भले आपने वाली एक इमेज को सेव करवा कर उसे दिखाने के लिए करवाई, लेकिन गूगल को आपको उसको बताना पड़ेगा। उसके लिए एक चीज़ चलती है, क्या आपको एक वो बनाना पड़ेगा जिसे बोलते हैं, यहाँ पर मांगता है वो, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी आपको अपनी। तो आप अपनी कोई भी वेबसाइट या ब्लॉग होगा आपका, तो वर्डप्रेस की या ब्लॉग की, तो एक प्राइवेसी पॉलिसी नाम का एक पहले एक पोस्ट बनाए, ठीक है, पोस्ट करें कुछ भी नाम, प्राइवेसी पॉलिसी नाम, पोस्ट का टाइटल प्राइवेसी पॉलिसी रखें और उस पर सारी जो जो परमिशन आपने ली है उसका नाम डालें, और वो आपने किस लिए ली है, मतलब कि आपने रीड की परमिशन ली है तो किस लिए ली है, पूरे उसे अच्छे से एक्सप्लेन करें कि हम हमारा मकसद डेटा को वो करना नहीं है। अगर आपको ऐसा मतलब कि वो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसमें मैंने ये लोगो लिया हूँ, ये इस वेबसाइट में फ्री मिल रहा है, ठीक है, या मतलब ये वेबसाइट नॉन कॉपीराइट नहीं, कॉपीराइट नहीं लगा रही है, ठीक है, इसे यूज़ करने की परमिशन है, ऐसा वैसा, ये सब आपको अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में यहाँ पर लाकर सबमिट करना पड़ेगा। हर ऐप में पूछता है कि आपकी एक प्राइवेसी पॉलिसी है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है, तो उसमें चांस रहता है अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी सबमिट करते हो, लिंक सबमिट करते हो उसकी, तो उसमें आपको पूरा अच्छे से बनाना पड़ेगा मैनुअल टाइप, हमने ये परमिशन दी तो ये हम यूज़र का साइनअप करवा रहे हैं, उसमें भी हम उसकी पर्सनल जानकारी नहीं दे रहे हैं, आपको सब सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपकी इसमें ऐप सस्पेंशन से बचेगी। उसमें आप लिख दीजिए अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, आप बस हमें कॉन्टैक्ट करिए, तो उससे आपका अकाउंट सस्पेंड होने से बच जाता है। इसमें मतलब आपने बोले हो वो आपको कॉन्टैक्ट करने, आपको उनको संतुष्ट करना पड़ेगा फिर कि हाँ भाई रिमूव कर दिए, अब आप भी परेशानी है, तो आपका सीधा कॉपीराइट लगेगा और सस्पेंड, ठीक है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी पूछा हमसे, उन्हीं के लिए वीडियो बनाया गया है कि उनके में जो रिजेक्शन आया है, अपना रिजेक्शन आया है, वहाँ पर रिजेक्शन लिखा हुआ है, तो उन्हें कैसे दूर करना, आप ऐप पे क्लिक करेंगे जाके तो ऐसा खुल जाएगा उसका, ठीक है, ये नहीं आएगा, आपको यहाँ पर ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो स्टोर प्रेफरेंस में आना है, स्टोर लिस्टिंग में आना है, आपका जो अभी कॉपीराइटेड आया है मतलब कि रिजेक्शन हुआ है, तो वो आया है आपके स्क्रीनशॉट्स की वजह से, तो आपको ये अपने वाले डालना पड़ेगा खुद के, ठीक है, या तो आप फोटोशॉप से अच्छे से बनाइए, दूसरे की इमेजेस यूज़ नहीं करिए, क्योंकि जो गूगल होता है वो किसी भी वेबसाइट की इमेजेस दिखाता है उसके क्रॉलर से पैच करके, ऐसा नहीं कि गूगल के पास सारी इमेज के स्टोर है, उनकी वेबसाइट से दिखाता है वो सब, ठीक है, तो ऐसे रिजेक्शन हटा दें। और ऐप सस्पेंशन पर भी ध्यान दें, ऐप सस्पेंशन कब आता है, मान लीजिए मैंने ये लोगो यूज़ करा हूँ और सेम लोगो ये और जे वाला लोगो मैंने अपने नाम पर रजिस्टर करा, मतलब कि ट्रेडमार्क है मेरे नाम, ठीक है,
टाइटल प्लस लोगो और मतलब कुछ भी चीज़, मतलब लोगो बैनर कुछ भी मेरे नाम पर कॉपी राइटेड है, बहुत हाईली कॉपी राइटेड, और वो चीज़ प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। और दूसरे बंदे ने वैसी इमेज डाल दी बिना मेरे से परमिशन लिए या बिना पूछे भी, या मेरे को पता भी नहीं उसने डाल दी थी, तो गूगल जो है प्ले स्टोर का डेवलपर कंसोल वो ऑटोमेटिकली इसको प्रोसेस करेगा और इसको सस्पेंड कर देगा, बोल देगा कि आपने इसका दूसरे की चीज़ यूज़ करे हो, ठीक है, आप दूसरे का वो कर रहे हो, मतलब कि नुकसान कर रहे हो। एक बहुत इसकी एक प्राइवेसी वो है इसकी, मतलब कम्युनिटी गाइडलाइंस में आपके ऊपर एक सस्पेंशन आ जाएगा, और उसे एक बार आपकी ऐप सस्पेंड हुई तो वो आप डिलीट भी नहीं कर सकते, रिमूव भी नहीं कर सकते, और 2 से 3 सस्पेंशन आए तो आपका अकाउंट गायब हो जाएगा। मान लीजिए एक सस्पेंशन आए तो आप दोबारा ऐप ना डालें उस अकाउंट में, क्योंकि मान लीजिए धोखा से दूसरी ऐप रिजेक्ट हुई तो आपकी जितनी भी ऐप है सब चली जाएंगी, ठीक है। तो मान लीजिए जब आपका एक ऐप सस्पेंड हुई तो उसमें आपको मतलब एक फॉर्म मिलता है भरने का कि हमें अपना सस्पेंशन हटाना है सर, तो गूगल से गूगल के जो एक्सपर्ट हैं वो आपसे बात कर दें, उसमें आपको पूरा प्रूफ के साथ जमा करना पड़ता है, या तो अगर आपके पास कुछ प्रूफ नहीं है तो भूल जाएगी आपका ऐप सस्पेंशन हटेगा कभी जिंदगी में, ऐसा नहीं कि आप बोल दो कि सर प्लीज़ रिमूव कर दो पहली बार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल सुनेंगे। और याद रखें 2-3 मेल के बाद बहुत अच्छे से रिप्लाई देते हैं, उसके बाद वो आपकी सुनती नहीं, मेरे 10-12 मेल पड़े और वो ऐसे ही बोल देता आपके पेंडिंग में पेंडिंग में, सुनना ही बंद कर देते हैं, आपके $25 भी डूब जाएंगे। तो ऐप का सस्पेंशन और रिजेक्शन पर बहुत अच्छे से ध्यान दें। अगर आप गूगल मैप या गूगल के कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उनकी API की के साथ यूज़ करें। ब्लॉगर में YouTube वीडियो ना डालें नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। बस ये आज का विषय था रिजेक्शन हटाने के लिए, वो आपको मेल में परफेक्टली बताता है कि आपके टाइटल में रिजेक्शन आया, टाइटल चेंज करिए, आपका दूसरे से मेल खा रहा है, जैसे कि मैंने टी लवर्स रखा, अब कोई रख दे टी ऑफ लवर्स, या तो वो एक ही चीज़ मानी जाएगी, बता देता है कि आप जैसे कि रिजल्ट बोर्ड रिजल्ट रिजल्ट ऑफ बोर्ड, ऐसे उल्टे चीज लेने से कुछ नहीं होता, मतलब तो वही है ना, इसलिए अभी ऐप रिजेक्ट हो जाती है, आपने दूसरे का कॉपी कर दिया। कई कई चीज़ों में नहीं लगती, लेकिन जो हाईली कॉपीराइट चीज़ें होती हैं जैसे कि कोई कंपनी का नाम की, समझ रहे, तो आपको अपना टाइटल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक प्राइवेसी पॉलिसी की स्टेटमेंट यहाँ पर दें, अपनी लिंक यहाँ पर दें अपनी, ठीक है, उस पर आप अपनी पोस्ट में आप सब लिख सकते हो कि मैं ये इस वजह से ले रहा हूँ, ठीक है। बस इतनी चीज़ें करना है आपको, बस आपकी ऐप रिजेक्ट नहीं होगी। सबमिट यहाँ पर सबमिट अपडेट पे क्लिक करते हो, सबमिट अपडेट दूसरी बार क्या आती है कि मान लीजिए आपने गूगल API की का यूज़ नहीं करो, यूट्यूब वीडियो डाल दो, रिएक्शन नहीं आता। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ थोड़ा सा चेंज करके सबमिट अपडेट कर दोगे तो वो ऐप रिजेक्शन हो जाएगी, नहीं, उसको हटाने के लिए करना पड़ेगा, आपको ऐप में अपडेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अपडेट कैसे देते हैं उसका हम एक वीडियो बना देंगे, कुछ नहीं है, मैनिफेस्ट में आके आप वर्जन जो रहते हैं वो आपका बिल्ड ग्रेडल में जो रहता है आपका बिल्ड ग्रेडल, उसमें आके वर्जन 2 कर दोगे तो उसका दूसरा वर्जन बन जाएगा, और जो आपने जहाँ यूट्यूब का लिंकिंग यूज़ किया बिना API की उसे रिमूव कर दीजिए, और अपडेट करके आपका जनरेट करके यहाँ से जाके आप ऐप रिलीज मैनेजमेंट रहता है इसमें एक, ठीक है, ये रहा रिलीज मैनेजमेंट, जाके नई ऐप अपलोड कर दें तो यही वाली की एक अपडेट वर्जन हो जाएगा, और वो भी एक सबमिट अपडेट हो जाएगा, कुछ देर बाद ऐप चालू हो जाएगी अगर आपने वो चीज़ें हटा दी। याद रखें एक बार एक्सेप्ट होने के बाद दोबारा वो गलती ना करें, नहीं तो आपके ऐप में सस्पेंशन आएगा, रिजेक्शन आएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ऐसी ही यूजफुल जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आपने आपका यदि गूगल पे कंसोल में अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो की लिंक दी है कि पेमेंट में बहुत प्रॉब्लम जाती है लोगों को, ठीक है। तो याद रखें अगर आपको प्ले स्टोर पर बने रहना है तो रिजेक्शन को और सस्पेंशन को हल्के बनाएं, बल्कि सस्पेंशन तो आने नहीं, दूसरों की चीज़ें यूज ना करें, भले ही 1 रुपये कम कमाओ पर खुद की चीज़ें बनाओ, जैसे कि आपने देख रहे हो कि हमने टी लवर्स बनाया है, इसमें हमने बहुत अच्छी, इसके लिंक मैं अपने नीचे दे दे रहा हूँ आपके डिस्क्रिप्शन में, अभी आप ये डाउनलोड कर सकते हो, बहुत अच्छी रेसिपी दी हुई है हिंदी में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू।